हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों अज आप एक अजे टॉपिक ते गल करन लगे हाँ जो कह सकते हो कि जुरी है, तो जो मतलब अपनी लाइफ च स्ट्रगल बंदे करते हैं ना उन्हां वास्ते जुरी आ। तो जिवें मैनू आंदे रहिंदे दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस नाल कह रहा वा, मैनू अजे मैसेज उन्हां दोस्तों के भी आंदे रहिंदे आ। पिछले साल भी आए सी, तो मैं उन्हां नू जिवें मोटीवेट तुसीं कह सकते हो ना आपां नू करना पैंदा वा। तो दोस्तों जो कल मैं वीडियो पोस्ट कीती सी, जो मनोज पाल जी हैगे आ उन्हां दी हैल्प हो गई सी 11,000 कुछ समथिंग, तो उस तो बाद उन्होंने मैनू वीडियो रिमूव करन नू कहता सी। वह क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ नैगेटिव कॉल्स भी आई, चार पाँच अपने दोस्तों ने उन्होंने नैगेटिव कॉल्स भी कीती। तो जो कमेंट्स आए अपनी वीडियो थले, कुछ कमेंट्स ज़्यादा नहीं, कुछ जो नैगेटिव कमेंट्स आ उन्होंने देखते हुए वीडियो सानू रिमूव करनी पई। 11,000 उन्होंने कोल हो गया वा, चलो मालक का शुक्र है ना, 11,000 तो उन्होंने कोल होया। उन्होंने जो नीड आ, कुछ नीड तो उन्होंने पूरी हुई, ठीक है जी। बाकी होर भी उन्होंने मेरी काफ़ी गल हुई, तो वह तुहानू धन्नवाद कह रहा वा। मैं पोस्ट भी, कम्यूनिटी पोस्ट भी शेयर की है, तुसीं चैक कर सकते हो, उन्हें तुहानू धन्नवाद किया वा। जे नैगेटिव कमेंट्स ना आते तो हूँ तक उन्होंने कोल 30,000 तक हो जाना सी। चलो वीडियो रिमूव करनी पई। खैर अज आप दोस्तों एक आही टॉपिक दे मेन गल करते हैं। दोस्तों ये वीडियो उन्हां वीरां लई बहुत जरूरी आ जो अपनी लाइफ विच स्ट्रगल कर रहे ने, जो ये सोचते आ कि मैं एक पासे यह संतमत वल ध्यान दूंगा, अपने परमार्थ वल, ते एक पासे जो दुनियादारी का बोझ, जो जिम्मेदारियों का बोझ, जो नौकरी वो करता वा, कारोबार जो भी। तो दोस्तों सब तो पहला तो आप सोचिए कि साड़ी जरूरत सिर्फ जिवें बाबा जी कहिंदे आ दो वक्त की रोटी, ये तुसीं भी सुनिया होना क्वेश्चन आंसर विच, साड़ी जरूरत की है दो वक्त की रोटी। आपां सब तो पहला बहुत सिंपल तरीके नाल यह मन के चलीए कि साड़ी जरूरत सिर्फ दो वक्त की रोटी है। जे आपां ये सोच के चलांगे तो ऑटोमैटिकली साड़े उत्ते कोई प्रैशर नहीं रहेगा। बाकी जो आपां एफर्ट्स करते हैं, मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, वो साड़ी जिम्मेवारी है, तो बाकी उसकी कृपा, उस तो उत्ते बाबा जी ने सानू देता तो उसकी बख्शिश, उस रब ने उस तो उत्ते जे सानू देता तो उसकी बख्शिश। आपां ने अपना मिनीम टारगेट आही रखना, तो जिसके कोल रोटी कपड़ा तो मकान आ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੋਸਤੋ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ, ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਮੈਂਟਲੀ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲਾਈਫ ਸਟ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਬਾਏ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜੋ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਉਹ ਬਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਛੱਡੇ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਮੀਰਾਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਵਾੜ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਛੱਡੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ 70 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ
संत महात्मा की आपां हिस्टरी पढ़ते हाँ, जो राजे सीगे उन्होंने जिन्हों को सीगा उन्होंने छड़ता, वो भी करोड़ों की दौलत, जिन्हों को जो राजे महाराजे से उन्होंने जो छड़ता तो आप जिमें कई बार लाइफ में जो कर्म के हिसाब किताब नाल आ जाता उस मालिक के हुक्म नाल, जो साड़ी किस्मत आ उहदे विच जो कर्म साढ़े बुरे या कह लो जो गरीबी लिखी होगी वो आजूगी तो आपां अपना मोराल डाउन हो जाता साडा, है ना। उस वक्त सानू चाहिए कि अपने गुरु ते पूरा भरोसा रखिए ते मेहनत करिए, बाकी जो दा हुक्म। ते हाँ मैं गल कर रहा सी कि एक बंदा जिन्हों अंदर गुरु की पूरी बख्शिश है, जो एफर्ट करता भजन सिमरन विच उन्हों अंदर यह जा रस आता उस दी बख्शिश नाल कि ऑटोमैटिकली उहदा इस सब गल्लां वल्लों ध्यान निकल जाता, फिर उन्हों फर्क नहीं पैंदा, फिर उहदा ध्यान अंदर रहिंदा जद तक उन्हों वह रस नहीं आता, वह ब्लिस नहीं आता, जद तक उन्हों चैन नहीं आता। उन्हों फिर सिर्फ उही चाहिए क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका होंदा कि ये चीज़ सब तो उत्ते है, जो पहला मैं मोह माया विच भजदा सी धन दौलत पैसे कमा ले वो कर लिया, है ना, एक दुनिया के रंग तमाशे, फिर वो इन्हां सब चीज़ों तो निकलना शुरू हो जाता क्योंकि वह एहसास कर चुका होंदा, उन्हों वो चीज़ का एक्सपीरियंस आ जाता, फिर उन्हें खुद महसूस होंदा कि यह सब तो कुछ है ही नहीं वो अगे। गुर का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साधना जापे, जद तक आपां नूं चखदे नहीं जद तक तुहानूं पता ये बाहर मुखी चीज़ों में साडा ख्याल भटकदा रहूगा। तो जिन्हों अंदर गुरु ने बख्शिश करके उहदे एफर्ट्स देख के उहदी मेहनत देख के ये भी एक डिजायर आ कि अंदर उहनूं पाउण दी, है ना, एक क्यूरियोसिटी, उहदी विरह देख के जद गुरु नूं उह बख्शिश करदा फिर उन्हें उही चाहना कि मैं बस यही मिले तो वो भुख होर वधूगी, तो फिर जब उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती फिर वह ध्यान उत्थे ही रहता कि नहीं, फिर ये भी हो सकता कि उन्हें गुस्सा भी आए फ्रस्ट्रेशन भी आए कि मैं जो उदन जो मेरी अवस्था हुई सी जो उदन मैनू रस आया सी मैनू उ चीज़ चाहिए आ, वह ध्यान उत्थे ही रहता तो वह किसी होर काम वाल मन नहीं लगता क्योंकि उन्हें पता कि वह ऐसा रस से कि मैनू उस तो उत्ते कुछ मिले नहीं अज तक, भावें उहदे कोल कुछ होवे चाहे ना, भावें उहदे कोल करोड़ां रुपए होवे भावें उह गरीब होवे, ते फिर वह उहनूं पाउण वास्ते होर ज़्यादा मेहनत करदा, ते फिर उस तों आउंदा काल दा खेल। काल दा खेल इस तरह कि फिर वह सानूं अट्रैक्शन विच दुनिया के रंग तमाशे विच सानूं होर उलझा दिंदा, फिर सानूं माया पैसे मोह माया ये सब चीज़ां सोहणियां लगना शुरू हो जांदियां ने होर ज़्यादा, फिर सानूं ये हुंदा कि चलो यार वो बाद कर लेंगे भगती भुगती अपना थोड़े पैसे कमा लीए, एक लख दो लख बना लीए, दो लख चार लख बना लीए, होर रंग तमाशे बहुत ने उत्थे जाइए पहला उत्थे जाइए, बस फिर वो चीज़ जो काल आ जो काल का एजेंट जो पंजे विकार हावी हो जाते हैं, गुस्सा होर ज़्यादा शुरू ये सब चीज़ा होर ज़्यादा साढ़े हावी होना शुरू हो जाए ने, फिर बस खेल खत्म, साडा ध्यान बहुत ज़्यादा इन्हां चीज़ों में भटक जाता वा कि आपां उन्हूं होर ज़्यादा पाउण की कोशिश नहीं करते। आही एक मार्ग है दोस्तों जिस विच सब तो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, जिस विच बहुत ज़्यादा कदर पाउण की जरूरत है, तुसीं कह लो बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने की जरूरत है, जे आपां ने कदर पा ली फिर ये मार्ग मिल जूगा, मेहनत की गल है, तो फिर साडी अवस्था भी इहो जिही होगी कि सानूं फर्क नहीं पवेगा कोई। आपां जो मैं पहलां बेनती करके हटिया कि संत महात्मा का जो मैं एग्जाम्पल दिता उन्होंने देख लो दोस्तों की अवस्था होगी उस टाइम जो उन्होंने अपने गुरु पिछे सब कुछ छड़ता, कितने महलों में रहने वाले सिगे ते जंगलों में आ गए। ये दोस्तों एक मोटिवेशन आ, जब आप लाइफ स्टोरी पढ़ते हाँ संत महात्मा की तो सानू एक मोटिवेशन मिलता कि ये सब चीज़ा तो कुछ भी नहीं है, हाँ जरूरी है ने क्योंकि अपने दुनियादारी भी निभानी है तो अपने जो कर्म पूरे करने हैं, लेकिन कई बार बंदे का मोराल इन्ना डाउन हो जाता कि आप ये सब चीज़ों में इन्ना ज़्यादा रुझ जाने कि सानू अपने परमार्थ वाल ख्याल नहीं रहिंदा, जिस काम वास्ते आए सी इत्थे आपां जो साडा एम सी मोटिव सी टारगेट सी वो फिर चीज़ सानू छुट्टना शुरू हो जाती है, फिर आपां कई बार रूहां नाल ये हुंदा कि उहदे मन दे विच इच्छा बहुत ज़्यादा आ जांदियां ने रहिंदियां ने, है ना, कर्म पूरे नहीं हो पाते उपर की इच्छा डिजायर्स, फिर उन्हें दूजा जन्म फिर मिलता, आओ बई डिजायर्स पूरे करो,
मैं दोस्तों वो भी अपनी लाइफ विच बंदे सत्संगी देखे है जिन्हां कोल पैसा बहुत घट आ लेकिन उन्हां दे अंदर डेवलपमेंट इनर प्रोग्रेस बहुत वधिया, उन्हां नूं फर्क नहीं पैंदा ये सब चीज़ों का। तो दोस्तों वो अवस्था करिए जिस वास्ते आपां इस दुनिया विच आए हैं, क्योंकि खुद सोचो जब आपां अपने घर ही नहीं बैठे, जो साडा घर है नहीं, है ना, तो क्यों ना आपां अपने घर वापस जाने की कोशिश करिए जो साडा असल घर आ, जो साडा टारगेट आ इस दुनिया विच आउण दा। साडा हाल तो दोस्तों जिवें संत महात्मा कहिंदे आ, एक सूअर मांग ओह किचड़ ही खाँदा, उन्हूं किचड़ी चाहिए, गंदगी चाहिए है। जे कोई उन्हूं आके पूछे कि मैं तुहानूं स्वर्ग लैके जाना चाहुंदा, कि स्वर्ग चलेगा, वो पुछदा कि उत्थे विष्टा हैगी है, गंदगी हैगी है जो मैं खानी है, वो कहिंदा नहीं उत्थे तां इस तों बहुत वधिया चीज़ आ, वो कहिंदा फिर मैं उत्थे की करना। ये मतलब साडा हाल हो चुकिया। एक गुरु ग्रंथ साहिब दी एक मैनूं तुक भी याद आ रही है, कूड़ कूड़े न्यो लगा विसर गया करतार, किस नाल कीजे दोस्ती सब जग चलनहार। इस नूं आपां समझिए। तो दोस्तों एक होर गल, कुरबानी, यह दोस्तों कुरबानिया का मार्ग, टाइम देना सब तो वड्डी गल, कि मैं इस टाइम च ये काम करना सी, क्यों ना मैं ये काम छड के अपना भजन सिमरन करा। एक साफ जाहिर आ, ये मार्ग कुरबानी मंगता, आपने कि कुरबानियां दित्तियां ये सानू विचारन की जरूरत आ। जो बाबा जी भी यही कहिंदे आ, तुसी कई बार सत्संग च सुनिया होना कि प्यार विच तां बहुत कुरबानियां दित्तियां जांदियां ने, हुण आपां देख लिए आपां ने कि कुरबानी दित्ती। तुसी खुद महसूस करोगे कि मैं इस टाइम भी भजन सिमरन कर सकता सी, मैनूं मौका मिलिया सी, टाइम मिलिया सी, पर मैं जो अपनी प्रायोरिटी आ वह किसी होर नूं देती, फिर कितें होर चले गया, फिर कुछ होर कर लिया, भजन सिमरन तां रह गया। जो सब तो बेस्ट टाइम आ वह आपां ने मैडिटेशन नूं देना, हजूर जी भी ये कहते हैं, जो प्रायोरिटी है वह अपने भजन सिमरन देनी है मेडिटेशन नू। पर हुण आपां मतलब मैं भी बिचे ही हाँ, जो सब तो पहला तो मैं अपनी गल करदा, ये सारिया कमियां मेरे अंदर आ, मैं कोई दूध का दूल्हा नहीं हूँ, ये सारी कमी मुझ में है। ये तो चलो अपने कोई गल्लां शेयर करनिया सी जो मैं तुहाडे नाल शेयर कर लिया, उस ते भरोसा ते मेहनत ये आपां करदे रहिए, फिर जो तो हुक्म। मैं दोस्तों तुहाडे नाल ये गल्लां तां शेयर कीतियां ने क्योंकि इह जे दोस्तां नूं, इह जे लोकां नूं मैं मिल चुकियां, मैं इह जी स्टोरीज खुद रियल लाइफ विच मैं देखी है जो लोकां नाल हुंदी। मेरे नाल डिबेट भी काफ़ी दोस्त या जिन्हां नूं मैं नहीं भी जानता सी वह भी मेरे नाल डिबेट कर चुके आ इस मुद्दे उत्ते बहुत ज़्यादा, तां एक मैं यह वीडियो शेयर कीती आह रीज़न। हुण दोस्तों जे मैं अपना तुहानूं लाइफ एक्सपीरियंस कदे दसा तां तुसीं हैरान हो जाओगे कि मैं ये सब किवें छड़ता, पर चलो पर्सनल गल्लां करनियां नहीं चाहीदियां, तुहानूं पता मैं जो भी कहना दोस्तों अज तक जो भी गल्लां कहियां ने इहदे विच मेरा भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुंदा, उस चीज़ विच मैं जो अखां नाल देखदा, जो मेरा कई बार खुद का भी एक्सपीरियंस हुंदा वह मैं तुहानूं सीधा सीधा नहीं दसदा, लेकिन उही मैं तुहाडे नाल शेयर करदा हुंदा। बाकी जो बाबा जी ने, जो हजूर जी ने, बड़े हजूर जी ने सानू सिखाया, बाकी वो गल्लां तुहाडे नाल शेयर आपां कर दईदियां ने। बाकी दोस्तों सब तो वड्डी गल अपना जो परसनल एक्सपीरियंस हुंदा है ना, दोस्तों खुद सोचो करोड़ों रुपया छड्डना किसी बंदे वास्ते पॉसीबल हो सकता, कोई होगा लखां चो एक दो जो करोड़ों रुपया छड्ड दू, लखां रुपया छड्ड दूगा। तो करके मैं इस गल विच डीप नहीं जाना चाहता क्योंकि तुहानू पता कुछ पर्सनल गल्लां सही नहीं लगदियां। तो ठीक है जी, ओके, टेक केयर, बाय बाय।